देश में काला सोना के नाम से पहचाने जाने वाला मालवा क्षेत्र के किसान इन दिनों बेहद चिंतित हैं। दरअसल चिंता इस बात की है कि लॉकडाउन के चलते केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग ने अफीम काश्तकारों से अफीम तोल के लिए नहीं ली है। ऐसे में किसानों ने खेत से डोडे से अफीम निकालकर घर में रख ली है, जिसकी वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है और अफीम किसान अफीम की सुरक्षा के लिए घर के बाहर दिन रात पहरा देने को मजबूर हैं। अफीम किसानों का कहना है कि अप्रैल माह में अफीम तोल के लिए नारकोटिक्स विभाग में जमा करवानी होती है, लेकिन वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा अफीम लेने के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किए हैं। ऐसे में समय बीतता जा रहा है, जिसकी वजह से अफीम भी धीरे धीरे सूखती जा रही है। वहीं समय रहते अफीम नहीं ली गई तो लाइसेंस कटने का भी डर बना रहता है, जिसकी वजह से अफीम की सुरक्षा करनी पड़ रही है। अफीम सूखने की समस्या भी है, तारीख नहीं दे रहे हैं। अप्रैल में हमारा अफीम तल जाता था और अब कोई तोल की तारीख भी नहीं लग रही है। रात को भी हम पहरा देते हैं, दिन में भी पहरा देते हैं। इधर चोरों का डर है, इधर तस्करी का डर है और सूखने का डर है। सरकार कोई सर्वे नहीं कर रही हमारी, अब तारीख पैसे भी नहीं दे रही। कब कब तोल रहे, वो बैठे हैं घर पे, फिर पहरादारी कर रहे हैं। चार चार आदमी का कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। चार आदमी रात को देते हैं जिसके जिसके घर, और चार आदमी दिन में देते हैं जिसके जिसके घर। हाँ, देते हैं पहरा, बैठे हैं घर पे। नहीं, निर्देश जारी हुए नहीं, तारीख पैसे लगी नहीं। अभी तारीख लगती है हमारी, पर अभी लगी नहीं तारीख। अब न जाने क्या मई में तोले, क्या जून में तोले, क्या कब तोले। जी, अफीम की अभी तोल नहीं हुआ है, इस कारण हमको पहरा देना पड़ रहा है। रात में भी पहरा दे रहे हैं, दिन में भी पहरा दे रहे हैं, और बहुत बड़ी समस्या है अफीम की। अभी तक तोल चालू नहीं हुआ है, अब तक चालू हो जाना चाहिए था, पर लॉकडाउन की वजह से चालू नहीं हो रहा है। कोरोना की वजह से लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे, और अफीम का तोल जल्दी से जल्दी चालू कर दे सरकार तो किसानों के लिए अच्छा ही होगा। सूखता है अफीम, सूखने का डर तो बहुत है सर, वो तो सूखता है। अभी गर्मी भी बहुत चालू हो गई है, गर्मी भी चालू होने के कारण अफीम ज़्यादा सूखने का डर है। पट्टे कटने का डर रहता है सर, पट्टा कट सकता है। अगर पूरी औसत जो नहीं दे सकते, नहीं किसान नहीं दे पाता है, तो पूरा पट्टा कटने का डर है सर। गौरतलब है कि मालवा में अफीम उत्पादन के साथ ही बड़े पैमाने पर तस्करी भी होती है। ऐसे में चोर लुटेरे तस्करों का खतरा बना रहता है, उनकी निगाहें इस अफीम पर गड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से किसानों को चौकस रहना पड़ता है। इधर इस मामले में सांसद सुधीर गुप्ता का कहना है कि इस बारे में भारत सरकार और लोकल प्रशासन से मेरी बात चल रही है, जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। निकलकर अब घरों की तरफ गई है और घरों पर अफीम सुरक्षा करना भी एक हमारी जवाबदेही में आता है। निश्चित रूप से ये भी कष्टप्रद है। जैसे ही अपरूटिंग का काम समाप्त होता है, हम आशा अपेक्षा करेंगे कि अफीम की तोल की प्रक्रियाओं को भी गति मिलेगी। मैं लगातार भारत सरकार के संपर्क में हूँ और स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पर कोविड-19 के कारण, कोरोना महामारी के कारण विकट स्थितियाँ हैं, सरकार अपने सिस्टम को निश्चित रूप से नीचे की इकाइयों से तालमेल करके ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इसलिए गति तो मध्यम रहनी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सभी सहयोगी भावना से काम करें तो दोनों चीजें, जो अफीम खेतों से निकलकर घर आई है उसको तोलने का काम, और इसके पहले जिन किसानों के डोड़े खड़े हैं उन्हें शासकीय प्रक्रिया के अनुसार समाप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने की संभावनाएं बनी है।